दिनों बढ़े कोरोना के मामलों को लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला क्राइसिस कमेटियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट, दवाओं के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा ताकि घर के अन्य लोग और बाहर के लोग पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में ना आए। देश में और देश भर में बीते दिनों बड़े कोरोना के आंकड़े और नए वेरिएंट की आने की संभावना के बीच शासन प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। कोविड गाइडलाइंस का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नए वेरिएंट को लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग और तमाम जो प्रयास हैं वो आप लोग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सारे क्राइसिस कमेटियों को संबोधित भी किया है। कल भी उन्होंने मीटिंग ली थी और हम लोग भी, विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो, चाहे टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे जो वैक्सीन लगना है उसके लिए जो महाभियान चल रहा है। तो सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी आज माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नागरिकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए सबको भी सचेत किया है कि सब लोग सावधानियां बरतें, बगैर मास्क के कोई ना निकले और दूरी भी बनाए रखें। जो बंद कमरे में हालों में ज़्यादा लोग एकत्र ना हो, खुली हवा में लोग रहें, जिससे कि हम लोग सावधानी बरत सकें। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर